Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो UGC NET पेपर 1 है उसके 6th पार्ट के बारे में और यहाँ पर हम देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में, ठीक है. सो ये वाला जो आपका टॉपिक होता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले जो 5th पार्ट आया था उसको ज़रूर से देख लिया होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो कि आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो इस वजह से अभी तक के जितने भी पार्ट आए हैं उन सभी को देख ज़रूर से लीजिएगा, ठीक है. सो अभी हम अपना आज का ये टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं. एंड यहाँ पर इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये हमारी वेबसाइट की लिंक है, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो हमारे जून 2020 का पेपर था वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. उसके अलावा बहुत सारे MCQs हैं फोरेंसिक साइंस के, जिनकी प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी वहाँ पर टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के भी MCQs अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है. अभी स्टार्ट कर लेते हैं. सो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें जो आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं तो वो कितने टाइप्स के होते हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली इसको हम तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है आपका टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी, सेकेंड होता है आपका लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी, थर्ड है आपका मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है. तो जो आपका टीचर सेंटर्ड रहता है वो बेसिकली जो लार्ज ग्रुप के आपके लार्ज ग्रुप मेथड्स रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक ही टीचर को गाइड करना होता है, वहाँ पर बेसिकली आपका लार्ज ग्रुप मेथड्स को अप्लाई किया जाता है. सेकेंड हम बात करें लर्नर सेंटर्ड में, तो यहाँ पर आपका बेसिकली जो सेंटर्ड फोकस होता है वो आपका लर्नर पर होता है, मतलब कि जो लर्नर होता है उसके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जाते हैं इन कंपैरिजन टू टीचर, ठीक है. और ये बेसिकली आपका इंडिविजुअलाइज मेथड होता है. और यहीं पर अगर हम बात करें मिक्स स्ट्रैटेजी की, तो मिक्स में आपका जो टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड दोनों ही चीज़ों को कंपाइल जब कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड स्ट्रैटेजी या फिर मिक्स्ड टीचिंग मेथड कह सकते हैं. और ये बेसिकली आपका स्मॉल ग्रुप मेथड्स के लिए एप्लीकेबल होता है. यहाँ पर अगर हम बात करें टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी में, तो इसमें बेसिकली आपके ये तीन तरह से आपका क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है आपका लेक्चर, सेकेंड है टीम टीचिंग मेथड, थर्ड है आपका TV या फिर वीडियो प्रेजेंटेशन. यहाँ पर अगर हम बात करें लेक्चर्स की, तो जैसे कि आपने अगर बैचलर्स अगर जब किया होगा, जब आपने मास्टर्स किया होगा, तो वहाँ पर बेसिकली आपका जनरल केसेस में आपके लेक्चर बेस रहते हैं, आपके जितने भी क्लासेस होती हैं वो लेक्चर बेस होती हैं, मतलब कि बहुत जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सारे बैठे हुए हैं और जो टीचर है वो अपना आता है, जो भी टॉपिक उसको पढ़ाना होता है वो अपने स्टूडेंट्स को समझा के पढ़ा के चला जाता है. तो ये बेसिकली आपका लेक्चर मेथड होता है. तो यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा रोल होता है एक तरह से टीचर का ही होता है, कि टीचर को अपने पूरे टॉपिक को जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और सिलेबस के बाहर जो भी, वो उसकी मर्जी होती है पढ़ाने की, तो वो सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के आता है, पूरा एक प्रॉपर वे में अपना प्लान तैयार करता है एंड देन स्टूडेंट्स को वो गाइड करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर सारा का सारा जो काम होता है बेसिकली टीचर का होता है और लर्नर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो टीचर की बात को ध्यान से सुने और फिर उसको अच्छे से समझते हुए अपने नोट्स वगैरह को प्रिपेयर करें, अपनी लर्निंग पर फोकस करें, ठीक है. तो यहाँ पर जो आपका लेक्चर मेथड होता है ये बेसिकली आपका इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं. अगर हम एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसे ऐसे टर्म्स पता चलते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चलता है जो कि आपको टीचर गाइड करता है. यहीं पर अगर हम इसके निगेटिव आस्पेक्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर जो लर्नर का इन्वॉल्वमेंट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो वो कंपैरेटिवली कम होता है, जिसकी वजह से जो आपके लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो उतना ज़्यादा खुलकर अपने क्वेश्चंस वगैरह को अराइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है या फिर इसका हम एक निगेटिव आस्पेक्ट कह सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें टीम टीचिंग की, तो टीम टीचिंग में क्या होता है कि काफ़ी सारे टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 से 3 टीचर्स हैं वो मिलके टीम एक बनाकर तब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ आपका टीम टीचिंग कहलाता है. नेक्स्ट जो आपका TV या फिर वीडियो प्रेजेंटेशन है, तो जैसे कि आपका आपके क्लासेस में भी कई बार जो स्मार्ट क्लासेस होती है तो वो बेसिकली आपकी PPT बेस ही होती है, तो वहाँ पर आपका क्या रहता है, वो जो जो भी चीज़ों को गाइड करना होता है टीचर को, वो आपकी इन चीज़ों से वीडियो वगैरह की हेल्प से आपका जो विजुअलाइजेशन होती है उस पावर को बहुत अच्छा करते हैं. तो ये चीज़ इस वजह से बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाती है, ठीक है. तो इसी वजह से जो आपका TV और वीडियो प्रेजेंटेशन वाला एक मेथड रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट्स को चीज़ों को याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें आपका जो लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पर इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं.
इसमें सबसे पहला आता है आपका ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स बेसिकली जो आपकी क्लासेस होती हैं, जो आपके वीडियो लेक्चर्स होते हैं, तो वो आपका ट्यूटोरियल्स में इंक्लूडेड होते हैं। इसमें एक छोटे छोटे टॉपिक्स को पूरा जो टीचर होता है वो अपने समझाते हैं। सो बेसिकली इसमें जो ये वाला मेथड है, वैसे तो यहाँ पर टीचर ही गाइड कर रहा है, बट यहाँ पर ये आपकी लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी में क्यों इसको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई स्टूडेंट होता है तो जब वो किसी चीज़ को सीखना चाहता है, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है, तो वो अपने आप से चीज़ों को सर्च आउट करता है। तो जब वो सर्च करता है तो बेसिकली जो आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं या आपके ऑनलाइन वीडियोज़ होते हैं, तो जब वो उनको सर्च करता है तो इस तरह से उसको सर्च करते करते बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, बहुत कुछ उसको मिलता है, और एक वीडियो के अंदर उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है जो कि हो सकता है उसने पहले कभी ना सुनी हो। तो इसी वजह से यहाँ पर जो आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं इसको लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी में रखा हुआ है। बट यहाँ पर अगर हम इसके एक नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, तो यहाँ पर जो आपका लर्नर होता है वो डायरेक्टली अपने जो भी टीचर हैं, जो ट्यूटोरियल में जिन्होंने वीडियो बनाया हुआ है, उनसे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं फेस टू फेस, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपका ड्रॉबैक आ जाता है। नेक्स्ट असाइनमेंट्स है आपका, प्रोजेक्ट वर्क है, केस स्टडी है, तो ये सारे भी आपका लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी में ही आते हैं। जैसे कि आपके कॉलेज से आपको कई बार असाइनमेंट मिलता है, आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, असाइनमेंट में आपका कोई टॉपिक दे दिया गया, उस पर आपको नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके जाने होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क में कोई आपको प्रोजेक्ट मिला है उस पर आपको पूरा प्रॉपर थॉरो एनालिसिस करते हुए पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करना होता है, केस स्टडी में कोई एक नॉर्मल केस हुआ है किसी भी तरह का, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम क्राइम केस की ही बात करें, अगर हम फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं है यहाँ पर सिर्फ आपके क्राइम केसेस ही आएंगे, यहाँ पर कोई भी ऐसी रियल सिचुएशन जो ऑलरेडी हो चुकी है और उन चीज़ों को देखकर समझकर उसको एनालाइज करके हम उसका पूरा समझते हैं कि बेसिकली अगर उस तरह की कोई सिचुएशन बाद में कभी हो तो उसके साथ में हम कैसे डील करेंगे। तो ये चीज़ आपकी केस स्टडी कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, आपका केस स्टडी होता है, तो यहाँ पर लर्नर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर आपको कुछ भी गाइड नहीं करता है, वो बस आपको एक टॉपिक दे देते हैं और लर्नर की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरा बहुत अच्छे से जितनी भी उसके पास बुक्स हैं, जितना भी वो अपने स्टूडेंट, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो टीचर्स हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा गूगल पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो वहाँ पर सर्च आउट करके अपने अकॉर्डिंग, अपने तरह से उसको चीज़ों को समझने के बाद में अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में उन चीज़ों को लिखना, तो वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम किया है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, इस तरह से बहुत सारी उस टॉपिक के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये सारे जो आपके मेथड्स होते हैं ये आपके लर्नर सेंटर्ड होते हैं, और यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा और इंस्टेंटली उस पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर हम कहें कि आपको पढ़ने की तरफ या फिर जो स्टडी रहती है उस साइड में आपका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो बढ़ जाता है, और आपके यहाँ से नॉलेज भी बहुत ही जल्दी इन्हांस होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो उस बेस पर आप चीज़ों को सीखते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में क्या होता है कि आपका कंप्यूटर बेस पे आपको चीज़ों को सिखाया जाता है, कंप्यूटर की हेल्प से, जो आपके ऑनलाइन वगैरह क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन आपका कोई भी आपके पास इंटरनेट पर कुछ कंटेंट वगैरह अवेलेबल है, तो उसकी हेल्प से यहाँ पर चीज़ों को सीखा जाता है, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। नेक्स्ट है आपका इंटरैक्टिव वीडियो, जो आपके जैसे लाइव क्लासेस होती हैं तो वो आपके इंटरैक्टिव वीडियोज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप फेस टू फेस तो नहीं, लेकिन हाँ आप डायरेक्टली उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, अगर ऑन द स्पॉट आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसी टाइम पर आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है इंटरैक्टिव वीडियो लेक्चर्स का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओपन लर्निंग, तो ओपन लर्निंग एक तरह से आपका वही हो गया कि आपका जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, या फिर आप ओपनली हर चीज़ को कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, किसी एक इंडिविजुअल पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, आप हर जगह से उन चीज़ों को सीख सकते हैं, तो ये आपका ओपन लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट जो आपका पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन है, तो ये भी आपका लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी ही है। अगला आता है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में अभी हम अपनी आगे के स्लाइड्स में इनको पूरा डिटेल में समझेंगे। ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनके जो प्रॉपर एडवांटेज हैं, जो प्रॉपर इनके डिसएडवांटेज हैं, तो उनको पूरा अच्छे से समझते हुए करेंगे, तो आगे वाली स्लाइड में हम इनको पूरा डिटेलिंग में समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें मिक्स्ड स्ट्रैटेजी की,
तो यहाँ पर मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में आपके ये सारे कुछ मेथड्स आते हैं, जिसमें पहला आता है आपका ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, हो सकता है उसमें वहाँ पर टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो वहाँ पर हर एक पर्सन के, हर एक इंडिविजुअल के जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो वो जब आप सुनते हैं, तो जब आप बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, तो उसके बाद में जो आपके थॉट्स बनते हैं, जो आपके उससे नोट्स बनते हैं, जो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होती है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है इस मेथड से। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन मेथड आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ आपकी लर्निंग की ही बात करें तो उसी व्यू से नहीं, इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट होता है आपका सेमिनार। एक सेकेंड, जो आपका ग्रुप डिस्कशन मेथड होता है, इसका ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी होता है। ड्रॉबैक ये होता है कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्रैंकली किसी से भी बात कर लेते हैं, किसी से भी डिस्कस कर लेते हैं कोई भी टॉपिक को, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उतना ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं सबके साथ में। तो उस कंडीशन में जो बंदा उतना ज़्यादा आपका ओपन नहीं है, तो उसके लिए ये वाला मेथड आपका उतना ज़्यादा बेनिफिट देने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो अपने थॉट्स को उतना ज़्यादा ओपनली बोलेगा नहीं, कहेगा नहीं। और हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स रहते हैं जो लोगों की बात को सुनना, जो आपके बाकी के फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, तो उनके जो थॉट्स होते हैं उन पर फोकस ना करके सिर्फ अपनी ही बोलने पर लगे रहते हैं, तो उस कंडीशन में उस बंदे का भी उतना ज़्यादा कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो ये दो तरह के लोग हो सकते हैं जहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन मेथड आपका उतना ज़्यादा बेनिफिट देने वाला नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें सेमिनार की, तो बेसिकली सेमिनार आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे, जैसे कि दो तीन चार पाँच लोग जितने भी हैं, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर पेपर पर, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अच्छे से पढ़ा है, देन वो लोग अपने अपने थॉट्स को सबके सामने रखते हैं और स्टूडेंट्स जो होते हैं उन चीज़ों को देखते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैनल डिस्कशन। तो पैनल डिस्कशन में क्या होता है, काफ़ी सारे एक पैनल बैठाया जाता है, उनका आपस में डिस्कशन होता है, चार से पाँच लोगों का एक पैनल रहता है, तो उसमें आपका डिस्कशन होता है। अब यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन और पैनल डिस्कशन में क्या डिफरेंस है, ग्रुप डिस्कशन में आपके मोर देन 5 to 10 या इससे भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं रहती है कि आपके कम ही लोग रहेंगे, 10 से कम ही रहेंगे, 5 से कम ही रहेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो पैनल रहता है, तो पैनल की एक लिमिट रहती है कि इतने से इतने लोग ही आपका डिस्कशन में रहेंगे। पैनल बेसिकली जो आपकी हाई अथॉरिटीज़ रहती हैं, जो आपके कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप पे कोई काम कर रहा है, एक किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहा है, तो वहाँ पर आपके जो 5 से 6 लोग आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक पर काम कर रहे हैं, तो उनके जो आपस में डिस्कशन होता है उस चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पर पैनल डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो रहता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लर्निंग प्रोसेस में। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने सुना होगा, जैसे कि आपकी बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ब्रेन की एक्सरसाइज करवाना, तो ऐसे ऐसे चीज़ों की प्रैक्टिस करना, ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में सीखना जो आपके ब्रेन की एक्सरसाइज करवाएं। जैसे कि आपके जो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, स्पीड मैथ्स का मतलब है आपके जो नंबर सीरीज़ हो गई, आपकी जो सिंप्लीफिकेशन वाली एबिलिटीज़ हो गई, तो बेसिकली अगर हम वैसे बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये तो बहुत इजी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पर अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखें कि कौन सा इंडिविजुअल कितनी जल्दी किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, तो वो आपकी उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग स्किल्स कहलाती है। जितना ज़्यादा वो अपने ब्रेन को ब्रशअप करेगा, जितनी ज़्यादा वो चीज़ों की प्रैक्टिस करेगा, तो उसका ब्रेन जो होता है वो उतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मेथड और वर्क। तो प्रोजेक्ट मेथड वही चीज़ है कि आपके क्लासेस में कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया गया, कोई प्रोजेक्ट है तो उस पर आपने काम किया, तो वही चीज़ हो गई। नेक्स्ट आपका ट्यूटोरियल्स, ये भी आपका लर्नर बेस्ड वाला ही है, तो लर्नर वाले को आपका मिक्स्ड में भी इसको इंक्लूड करा जाता है। नेक्स्ट केस स्टडी भी वही है, इसमें भी आपका मिक्स में भी आता है आपका और लर्नर सेंटर्ड में भी आता है। रोल प्ले का मतलब होता है कि कोई एक सिचुएशन है जो ऑलरेडी हो चुकी है, उसी को डिट्टो सेम टू सेम आपने वापस से उन चीज़ों पर आपने एक्ट किया, तो वो चीज़ आपकी रोल प्ले कहलाती है। अभी इस टॉपिक को हम आगे स्लाइड्स की हेल्प से समझेंगे, तो ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिमुलेशन। सिमुलेशन है मतलब जो भी आपकी रियल सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी है, उसी रियल सिचुएशन को वापस से एज इट इज़ आपको वापस से उसको फॉर्मुलेट करना है, तो वो आपका सिमुलेशन कहलाता है। एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आपका लेक्चर मेथड जैसा ही होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन ही मतलब कि कोई टीचर आया है, वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर
अपना डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है, मतलब आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको एक्सप्लेन कर रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक को, तो वो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहलाता है। सो यहाँ पर बेसिकली इतने तरह के आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं। अब यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट है नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका लेक्चर मेथड है। तो लेक्चर मेथड के कुछ आपके एडवांटेज हैं, कुछ आपके इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर सिंगल टीचर टीच करता है अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक ही टाइम पर, तो इससे क्या होता है कि एक टाइम पर एक टीचर का कम टाइम स्पेंड होता है और बहुत सारे बच्चों को टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये आपका इकोनॉमिकल होता है और ये आपका टाइम बचाता है, ये सिंप्लीफाई कर देता है टीचर के टास्क को, और यहाँ पर ये यूज़फुल होता है फॉर इम्पार्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉइंग अटेंशन टू इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो जो आपका लेक्चर मेथड है यहाँ पर आपका जो स्टूडेंट्स हैं उन तक टीचर जो रहता है बहुत ही इजीली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो बहुत आसानी से पहुंचा देते हैं, और स्टूडेंट्स का अटेंशन भी है वो भी ग्रास्प कर लेते हैं जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेस पर। उसके अलावा जो इंटरप्शंस होते हैं और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो भी यूजुअली इस कंडीशन में आपका लेक्चर मेथड में अवॉइड हो जाते हैं। यहीं पर अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टूडेंट को इस आपकी इस तरह के मेथड में पार्टिसिपेट करने का। मतलब कि पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब है कि आप नॉर्मली अपने टीचर से जो आपके लेक्चरर हैं आप उनसे प्रॉपरली उतना फ्रैंकली आप फ्लो में बात कर सको, कोई भी क्वेश्चन उस टाइम पर अराइज हुआ तो आप ऑन द स्पॉट पूरा डिस्कस कर सको। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं पॉसिबल हो पाती। आप क्वेश्चन तो कर सकते हो बट वहाँ पर अगर आप सोचो कि पूरा प्रॉपर डिस्कशन करो तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है यहाँ पर। उसके अलावा ये जो आपका लेक्चर मेथड होता है डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपकी जो भी स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व इस तरह के मेथड में नहीं हो पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर अगर हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठ जाएगा तो वो अपने टॉपिक को कभी कवर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक एक करके डाउट्स आते रहेंगे, वो पूरे अपने क्लास में सबके डाउट्स से क्लियर करता रहेगा। तो इस वजह से ये चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं होती है कि जो आपके टीचर हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो रहता है ऑफर्स लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर चेकिंग लर्निंग प्रोग्रेस। जो आपकी लर्निंग प्रोग्रेस हो रही है वो कितनी हो रही है, कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है, तो इस चीज़ को भी पूरी प्रॉपर चेकिंग के लिए बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बहुत ही लिमिटेड ऐसा होता है कि आपकी जो प्रोग्रेस स्किल्स हैं, जो आपकी लर्निंग स्किल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उनको चेक करने के लिए बहुत ही कम ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये आपको कुछ इसके डिसएडवांटेज थे, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या इसके एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली बहुत सारे स्टेटमेंट रीज़न वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन के जो आपके एडवांटेज की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है थिंकिंग प्रोसेस को, शेयर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरेस्ट को, टीम स्पिरिट को डेवलप करता है, साथ में जो पूलिंग होती है नॉलेज की, आइडियाज़ की, फीलिंग्स की, अलग अलग पर्सन की, एनालिसिस की, उनके इंटीग्रेशन ऑफ फैक्ट्स आइडियाज़ और कंसेप्ट की। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि क्या क्या आपके होता है ग्रुप डिस्कशन में, तो वही सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ में ये आपका इस तरह का मेथड जो रहता है वो आपका ओरल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो स्किल्स होती हैं इनको भी डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहीं पर इसके अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत एफर्ट्स लेता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेता है, साथ में इससे आपका माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा इमोशनल स्ट्रेस और अनप्लीजेंट फीलिंग्स को भी क्रिएट करता है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि कोई बंदा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्री है कोई नहीं है, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, आपकी आपस में फ़ाइट भी हो सकती है। तो ये चीज़ फ़ाइट मतलब फिजिकल नहीं वैसे वर्ड्स वाली फ़ाइट। ठीक है, नेक्स्ट, डोमिनेशन ऑफ सेशन बाय अ फ्यू स्टूडेंट्स। कई बार रहता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो डोमिनेट करने लगते हैं, सिर्फ अपनी अपनी ही कहना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपका ये सारे कुछ आपके डिसएडवांटेज होते हो जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के। उसके अलावा क्या आपके थे वो मैंने कुछ पॉइंट्स आपके इससे पहले ही बता दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेमिनार मेथड। तो सेमिनार बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह का ग्रुप डिस्कशन ही होता है जहाँ पर एक जो ट्रेनी होता है और सेवरल प्रिपेयर जो पेपर करते हैं, पेपर को जो बहुत सारे बाकी के लोग प्रिपेयर करते हैं
और जो एक ट्रेनी होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर पर्टिकुलर इशू या फिर पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं। तो ये आपका सेमिनार में होता है। यहाँ पर अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो जो आपका सेमिनार है उसके एडवांटेज ये हैं कि ट्रेनी जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर पूरा थोरो से, मतलब कोई भी जो टॉपिक दिया गया था उस पर उन्होंने पूरा खुद की वो भी रिसर्च करके आए हैं, वो भी समझ के पढ़ के आए हैं, तो वो अपना पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना उनको समझ में आ रहा होगा जितना उनको पता होगा वो पूरा आपका 100% देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, ये अलाउ करता है उनको कि वो अपने एनालिटिकल स्किल्स को यूज़ करें, अपने रिसर्च को यूज़ करें अपने कंक्लूजन को देने में, और साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करें। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी जाती है जो कि लीड करती है डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स को पार्टिसिपेंट की। जो पार्टिसिपेंट होता है वो बेसिकली अगर कोई पेपर को प्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर उसकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं उनमें भी डेवलपमेंट होता है। कोई भी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, तो ये सारी चीज़ों का भी डेवलपमेंट आपका सेमिनार वाले मेथड में होता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो वापस से ये आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ये स्ट्रेस कॉज करता है पार्टिसिपेंट पर क्योंकि वो पूरा अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। उसके अलावा इट नीड्स अ ग्रुप ऑफ ट्रेनीज विथ फेयरली हाई लेवल ऑफ अटेनमेंट। इस तरह के जो आपके मेथड्स रहते हैं, जो सेमिनार रहता है, तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे तरह के आपको ट्रेनी का ग्रुप चाहिए होता है जिनका अटेनमेंट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होता है, जो चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं और बहुत ही अपना 100% एफर्ट देने के लिए तैयार होते हैं, तो वही लोग आपके चाहिए होते हैं। तो ये एक तरह का आपका डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सेमिनार हो गया। एंड यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ये एक तरह का क्रिएटिव ग्रुप वर्क होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका एक तरह का क्रिएटिव ग्रुप वर्क होता है जहाँ पर जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ क्विकली ऑन अ गिवन टॉपिक और प्रॉब्लम फॉर सब्सिक्वेंट इवैल्यूएशन। मतलब कि कोई एक आपने काम को सोचा कि आपको इसको करना है, अब इसको करने के लिए आपने बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड्स बनाए, बहुत सारे आइडियाज़ आपने सोचे तुरंत से, और उसके बाद में उसका आपने रिजल्ट चेक किया, तो बेसिकली यहाँ पर आपने उसका रिजल्ट चेक करने के लिए ही उस काम को किया था, तो यह आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको अलाउ नहीं किया जा सकता है कि वो बाकी के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज करें उस टाइम पर जब किसी भी इंडिविजुअल ने अपने कुछ व्यूज़ दिए हैं, कुछ अपने आइडियाज़ दिए हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाकी के जो लोग हैं वो उनके आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो ये चीज़ आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग में एप्लीकेबल, सॉरी यहाँ पर ये चीज़ आपकी अलाउ नहीं होती है इसमें। ठीक है, कई बार क्या होता है जो क्वांटिटी होती है आइडियाज़ की वो मोर इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्वालिटी से। मतलब कई बार बहुत सारे लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा आइडियाज़ दे रहा है भले ही उसमें क्वालिटी हो ना हो लेकिन वो बंदा अच्छा है, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्वांटिटी के साथ में अगर क्वालिटी है तो वो चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्वांटिटी हो, क्वालिटी चीज़ आपकी ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, यहाँ पर आपके सेवरल बहुत सारे राउंड्स होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो कि कंडक्ट करे जाते हैं जब तक कि आपके आइडियाज़ जो होते हैं वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए। उसके अलावा जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको बाद में बोला जाता है कि जो भी उनके आइडियाज़ हैं उनको वो इवैल्यूएट करें और उसके बाद में जो उनके अकॉर्डिंग बेस्ट वन है उसको वो प्रेजेंट करें। तो ये चीज़ आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किल्स कहलाती हैं। बेसिकली इस तरह से आप जो रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत सारे आइडियाज़ को सोच सोच के इससे आपके पास एट लास्ट एक ऐसा आइडिया बचता है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये चीज़ आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग में होती है। और अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रोल प्ले की। ठीक है, तो रोल प्ले में क्या होता है, इसमें जो रियल लाइफ सिचुएशन होता है वो उसी की तरह ये सिमिलर होता है। इसमें आपकी सोशल डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेगोशिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्किल्स डेवलप करती हैं और ये एक तरह के आपके इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव होते हैं रोल प्ले। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें तो ये इनके जो आउटकम्स होते हैं, जो इनके रिजल्ट्स होते हैं, उनको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ये रियल लाइफ सिचुएशन होती हैं जिसकी वजह से ये आपके थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और इसमें आपका अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारे आपके कुछ इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं। ठीक है,
ये हो गया आपका रोल प्ले। और यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिमुलेशन की। तो जैसे कि सिमुलेशन का आपके हम नॉर्मल मीनिंग का मतलब मीनिंग समझें, तो सिमुलेशन का मतलब होता है कॉपी, किसी चीज़ को कॉपी करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपका सिमुलेशन कहलाता है। तो सिमुलेशन का मतलब होता है क्रिएटिंग कंडीशंस दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशन एंड देन ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड अंडर दोज कंडीशंस। मतलब कि कोई सिचुएशन, कोई एक कंडीशन जो ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें जैसी भी कंडीशंस थी एग्जैक्टली वैसे ही कंडीशंस को डेवलप करना, उन्हीं आप जो भी एक्चुअल आपकी एक्चुअल कंडीशंस थी उन सभी चीज़ों को एज इट इज़ वैसे ही डेवलप करना, और उन्हीं कंडीशंस के अंडर में जो भी आपके ट्रेनीज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, तो ये आपका सिमुलेशन कहलाता है। और ये आपका स्पेशली यूज़ करा जाता है ट्रेनिंग पर्पज़ से। तो ये हो गया आपका सिमुलेशन। एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन क्या रहता है, कॉम्बिनेशन होता है वर्बल एक्सप्लेनेशन का, जिसके साथ में आपका लाइव डिस्प्ले को ऐड कर दिया जाता है। और यहाँ पर कुछ अपरेटस जैसे कि आपका प्रेजेंटेशन रहता है, प्रेजेंटिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आइडियाज़ और प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ों को जब आपका कंबाइन कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका इस मेथड को हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। और ये बेसिकली आपका एक तरह का ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन होता है। तो ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन की जब हम बात करते हैं तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहलाता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे आपका अगला है केस स्टडी। तो केस स्टडी में क्या होता है, बेसिकली ये आपका डिस्क्रिप्शन होता है एक्चुअल सिचुएशन का, जो भी एक्चुअल सिचुएशन ऑलरेडी हो रखी होती है उसी की समराइज़ करके जो आप समरी देते हैं, तो वो आपका एक एक्चुअल सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आपका केस स्टडी कहलाता है। इन लर्निंग विद केस स्टडीज द स्टूडेंट्स मस्ट डील विद द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द केस। मतलब जो केस होता है उसकी जो भी सिचुएशंस होती हैं उनके साथ में स्टूडेंट्स को डील करना पड़ता है जब वो किसी भी केस स्टडी को लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस स्टडी। और नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये एक तरह का आपका जनरल टर्म है फॉर अ हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग, जो कि आपका डिपेंड आपका बेस है जो जो उसका बेस है जो उसका आधार है वो आपका लॉजिकल सीक्वेंस है, सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग स्टेप्स विद फीडबैक बिटवीन ईच स्टेप। यहाँ पर बेसिकली आपके कुछ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है लर्निंग का, जहाँ पर कुछ ऑलरेडी बनाए हुए लॉजिकल सीक्वेंस होते हैं और कुछ लर्निंग के स्टेप्स होते हैं, और हर एक स्टेप के बाद में यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका फीडबैक लिया जाता है। तो ये आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन आपका मेथड होता है लर्निंग का। उसके अलावा लर्नर जो रहता है वहाँ पर उसको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है हर एक स्टेप के बाद में। तो ये आपका लर्नर के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड में, कि उसको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर क्या होता है, लर्नर मस्ट अचीव मास्टरी ऑफ अ सीरीज ऑफ रिटन मास्टरी यूनिट्स असिस्टेड बाई टीचर्स प्रॉक्टर्स एंड इनरिचिंग लेक्चर्स बिफोर प्रोसीडिंग टू द फाइनल टेस्ट। मतलब कि फाइनल टेस्ट तक जाते जाते जो भी आपका फाइनल एग्जाम होता है, जो भी आपका फाइनल रिजल्ट होता है, वहाँ तक जाते जाते जो लर्नर होता है वो पर्टिकुलर टॉपिक पर, पर्टिकुलर जो भी सीरीज होती है उस पर मास्टरी अचीव कर लेता है, मास्टरी गेन कर लेता है, वो आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक जो भी होता है वो उसका 100% क्लियर हो जाता है, सारे कॉन्सेप्ट्स सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उसको समझ में आ जाती हैं, तो वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में पूरी मास्टरी अचीव कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ टीचर्स प्रॉक्टर्स और जो भी आपके लेक्चरर्स होते हैं उन सारी चीज़ों की हेल्प लेते हुए, जो भी आपकी बुक्स वगैरह में यूनिट्स होती हैं उनकी हेल्प लेते हुए वो आपका मास्टरी को अचीव कर लेता है। तो ये आपका पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। और यहाँ पे जो रिटन मटेरियल होता है वो जनरली इस तरह के मेथड में कन्वे किया जाता है टीचर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ओपन लर्निंग के बारे में। तो ओपन लर्निंग बेसिकली आपका एक फ्लेक्सिबल मेथड होता है ऑफ डिलीवरिंग द इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पर जो लर्नर होता है वो ओपन एक्सेस कर सकता है लर्निंग के रिसोर्सेज को, ऑफ पीपल मटेरियल इक्विपमेंट एंड एकोमोडेशन। यहाँ पर रेगुलर क्लास अटेंडेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओपन लर्निंग पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होती है, आप जिस जिस टाइम पर चाहें, जैसे चाहें, जिस तरीके से चाहें, जिस भी तरह से आप पढ़ना चाहें, आप उस तरह से उस कंडीशन में उस इंडिविजुअल से उस तरह से उस मेथड से आप पढ़ सकते हैं। कोई भी यहाँ पर
आपका प्रेशर नहीं होता है कि आपको क्लासेस को अटेंड करना ही करना है, आपको इन्हीं टीचर से पढ़ना है, आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, तो ये सारा कुछ आपका ओपन लर्निंग में इंक्लूड करा जाता है। और यहाँ पर आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट का थ्रू ट्यूटोरियल्स, जो आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं उसके थ्रू यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाता है कई बार टीचर्स और स्टूडेंट्स का। और ये जो ट्यूटोरियल्स होते हैं ये भी एक तरह से आपके ओपन लर्निंग का ही पार्ट माने जाते हैं, और यहाँ पर आपका किसी भी तरह की क्लास अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ओपन लर्निंग के, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। और अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड की, और ये बेसिकली आपका यहाँ पर लास्ट मेथड भी है, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, स्टूडेंट हैज़ टू फाइंड आउट द आंसर टू हिज और हर ओन प्रॉब्लम बाई अन एडेड एफर्ट्स। मतलब कि जो भी स्टूडेंट होता है वो अपने बहुत सारे एफर्ट्स को डालकर जो भी उसके प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी उसके क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर को वो अपने ही एफर्ट्स से अपने ही द्वारा ढूंढ लेता है। तो ये आपका ह्यूरिस्टिक मेथड कहलाता है, और इससे जो भी स्टूडेंट होता है उसकी ग्रोथ जो नॉलेज वाइज होती है वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर जो लर्नर होते हैं वो एक तरह से डिस्कवरर हो जाते हैं नॉलेज के बाय डेवलपिंग अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। जो स्पिरिट होती है इंक्वायरी को, उसको डेवलप करके जो आपके इस तरह के मेथड को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वो नॉलेज को बेसिकली डिस्कवर करने लगते हैं, नॉलेज को खोज करने लगते हैं, कोई भी टॉपिक होता है उसके बारे में अपने अकॉर्डिंग उसको रिसर्च करने लगते हैं, ठीक है। इस तरह के जो मेथड होता है इसका एम ये नहीं होता है कि वो बहुत सारे फैक्ट्स प्रोवाइड करवाएं साइंस को, मैथ्स को, ग्रामर को, बट टू टीच हाउ नॉलेज ऑफ दीज कैन बी ऑब्टेन। मतलब कोई भी आपका टॉपिक है साइंस का है, मैथ्स का है, ग्रामर का है, तो वो सारे जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनको, उनसे नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए किस तरह से पढ़ाना होता है, किस तरह से पढ़ना होता है, तो ये चीज़ आपके ह्यूरिस्टिक मेथड का बेसिकली एम होता है। यहाँ पर ये नहीं होता है कि सिर्फ आप रिसर्च कर करके अलग अलग से फैक्ट्स दे रहे हैं, अलग अलग से मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही इसका एम नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बेसिकली जो आपका ह्यूरिस्टिक मेथड होता है इसका फोकस फैक्चुअल नॉलेज पर भी नहीं होता है, तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी तरह के आपके मेथड्स हो सकते हैं आपके टीचिंग के मेथड्स, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर कवर कर लिए हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट थे उनका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है पूरा रिटन में, और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट थे उनका मैंने नॉर्मली वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, बट कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में लिखकर ये ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और उसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, और ब्लॉगर पर आपको यहाँ आपके जो फोरेंसिक साइंस के एमसीक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, तो उसके लिए आप हमारे ब्लॉगर पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।